कैसे कचरा निकल रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? अभी जलन हो रहा है? 5-7 मिनट और लगेगा, मतलब टोटल 10 मिनट लगता है फ्री होने में। ऐसा लगता है जैसे कि देखो 12 हो रहे हैं। आंसू कितना निकला पूरा, यूं है ऐसा लगा था कि कोई गिरा रहा है। डिजाइन बनवा के मेहंदी लगवा के और क्या? साफ कर लो, साफ करो। मिल गया आराम? अब आंखें खुल रही है? खोलिए ऊपर देखिए। हंसा भी तो दिया, ये ऐसा रोना हुआ जो हंसने जैसा है। आपको 10 अभी बढ़िया लगेगा, अभी भी खुल जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा, वो खुल गया। नहीं अभी इफेक्ट है ना, इफेक्ट रहता है आधे घंटे तक इफेक्ट रहता है उसका। धीरे धीरे जाएगा खुल जाएगा। जैसे आंखों में दवाई डालते हैं धीरे धीरे अपना हो जाए। नहीं भैया दर्द कर मुझे बड़ी परेशान कर, दर्द में भी आराम हो गया ना। मैं मर भी जाऊंगी ना, क्या नाम है मुझे नहीं पता। धीरज गुप्ता। हाँ धीरज गुप्ता, गोविंद भाई। धीरज गुप्ता केवल में परिवार में सुखी सरकार। माता जी ये इमरजेंसी का इलाज है, जैसे आप पेन किलर लेते हैं ना, ये उसके लिए इलाज है। ठीक है, इससे परमानेंट नहीं ठीक होएगा। पर कैसा जो अभी आपका तकलीफ था, इसे हम दवाई खा लेते हैं तो दवाई से कैसा ठीक हो जाता है? तो हमारे पास इसमें ठंडे ठंडे का तो कोई खास फ्रेज नहीं है। नहीं खट्टा ठंडा नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना है, ठंडा फ्रिज का सामान। खट्टा और ठंडा नहीं खाना चाहिए, परहेज करेंगे तभी वात रोग जो है ना कम होएगा, ठीक होएगा। गलत आहार थोड़ा सा बंद कर दीजिए, थोड़ा सा सही आहार चालू कर दीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। सोचो आपका जो जीवन भर का पूंजी रखा करके और डॉक्टर के पास भरना पड़ेगा जाके, तो वो तो नहीं लग रहा था कि मैं जीना चाहने और घबराहट हो गया। उसको चाय बना पिला दे या कोई पानी पिला दे। वो बातें बता रहे हैं, वो घर की बात। खाना पे तो कोई बना के खिला दे या कोई पानी पिला दे, हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के गिलास पानी पी लूँ। कितना दर्द वो आज ही हालत मेरी हो रही थी, धीरे 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 एक मूर्ता चल रहा है, मेरा बहुत दर्द करता है। ये है धीरज भाई, सबका भाई धीरज भाई। कोई बात नहीं माता जी, जब भी दिक्कत रहे यहाँ पे आ जाना, आपको सलाह मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो हम लोगों को ना एक और विचारधारा लोगों को चेंज करनी पड़ेगी भैया। जैसे हम लोगों को ये चीजें बताना पड़ेगा कि खाना आप रोज बनाते हो ना, कुछ लोग बोलते हैं भाई कोई सब्स्टिट्यूट दे दो ना मुझे कि रेडीमेड में लेके खा लो, तो हम लोग क्या बोलते हैं खाना रोज बनाते हो ना, खाना का कोई सब्स्टिट्यूट है कि भाई ऐसा हो जाए कि एक महीना एक ही बार खाना बना कर रख लो, एक महीना खाना रहे, ऐसा है? खाना तो रोज बनाते हैं ना, मेहनत करना पड़ता है। जो हमारी ये दवाइयाँ हैं रसोई घर की, इसको भी रोज हमें बनाएंगे, अगर रोज खाएंगे ताज़ा दवाई खाएंगे तो उसका फायदा ज़्यादा मिलेगा। ताज़ा दवाई अगर ये जो मैंने भैया बताया हल्दी मेथी सौंठ, ये ताज़ा हो गया, चाय की जगह पर इसको उबालो, गुड़ मिलाओ और सिप सिप करके पी लो, दर्द का दर्द ठीक होएगा, पैसा बचेगा, घर की औषधि आपका जो रसोई घर का। दो ही मिनट में दर्द आधा मिनट चला गया, 15 दिन तो बहुत दूर है, 15 दिन कितने देखे भाई, आगे अपना प्रेस करते रहो। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा। आपको पानी पान दे जाए, मैं पानी करके तो भी कहेगी कि बीमार है। देखो आपने कितने वो निकल रहा है, निकल रहा है गंदगी, गंदा बढ़ता है। हाँ हाँ गंदगी निकल रहा है पूरा, ये एक साथ साथ चल जाता है कोने में, पूरा काफी सारा गंदगी आया हुआ है। कोई बात नहीं, अब डालिएगा, हफ्ते में एक दिन आगे आंखों की सफाई करा लीजिएगा, अगले 15 दिन बाद आप धागा सुई में डाल लोगे। और परहेज जरूरी है, परहेज भी करना है, परहेज भी जरूरी है। खान पान का परहेज करेंगे। धन्यवाद, इतनी देर बैठ गई ना,
बस बाबा जी की मेहरबानी है, मैं इतनी देर बैगी नहीं पाई, इतनी देर मैं नहीं बैठ सकती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, इतना सत्कार दिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जी। तो आपको दिखाई कैसे दिया? निकलती पढ़ती मैं रोज। अच्छा पढ़ती हैं आप वहाँ पे? पढ़ती हैं मैं रोज, पढ़ती हूँ रोज, निकलती हूँ 15 अगस्त में मूवी देख रही, निकलना मेरा पटना यहीं पे है। मैं आज मैं सोच रही कि मैं तुम्हें वो किसी तेल से मैं ला रही थी, किसी देसी दवाइयों हम दे मिलती हैं। हाँ मैं एक बार मैं पता करूँगा, भाई भूख मुझे लगी है, सही बात, खाने का इंतजाम तो कहीं भाग से कर ले तो दर्द मुझे हो रहा है, मैं तो पता कर लूँ कुछ तेल मिल जाए, इतनी दवाइयाँ खा रही है तो कुछ तो पता चलेगा कि कम से कम मुझे दवाई का महसूस तो होगा कि हाँ जी ये देर है ये इतने का, भाई साहब अभी मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं 2-4 दिन में दे जाऊँगी तो कम से कम ये तो रहेगा, मुझे कुछ राहत हो जाएगा, खाने पीने का क्या है क्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, हाँ ऐसा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आज खड़ी हूँ जी, ये मैं जरूर करूंगी, आज मैं शाम को लेके आऊं, कल लेके आऊं, बस खाने पीने का ध्यान दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, जब धन्यवाद लगेगा आ जाइए। थैंक यू, वंदे मातरम।